गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में सबसे पहली चीज जो हमें समझना है कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हमसे कहा जाता है जो सांस ले सकता है वो लिविंग, जो नहीं ले सकता है वो नॉन लिविंग, जो रिप्रोडक्शन कर सकता है वो लिविंग, जो नहीं कर सकता है वो नॉन लिविंग। तो इस तरीके से हमें कई पैमाना पता है जिसके बेसिस पे हम लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन जब हम क्लास 11th में आते हैं तो इसी चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है डेफिनेटिव प्रॉपर्टी और एक को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। समझते हैं कि डेफिनेटिव प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में अंतर क्या होता है। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी फिक्स हो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है तो उसे हम डेफिनेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ऑब्जर्व किया जा सकता है तो उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर से क्या समझते हैं कि जो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फिक्स हो चुकी है उसको हम डेफिनेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो देखने में तो हम यही कहेंगे कि लिविंग के अंदर ही हो सकता है, लेकिन अगर हम सेकेंड हैंड एक तरीके से और सोचने लगेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं हमको दूसरे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी दिखाई देगा। हम समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें डेफिनेटिव और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को हमें निकालना है। हम अपनी बुक के हिसाब से अगर चले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चार प्रॉपर्टी मेन है जो सिर्फ लिविंग में पाई जाती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ग्रोथ। ग्रोथ कहने को कहा जाता है कि ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो सिर्फ लिविंग में पाई जाती है। दूसरा मेटाबॉलिज्म। तीसरे की बात कर लेते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। और लास्ट बात करते हैं कॉन्शियसनेस। एक एक पार्ट को हम समझने की बात करेंगे। पहले हम ग्रोथ पे आते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज मास और नंबर ऑफ सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मास या मतलब वजन, साइज यानी उसकी हाइट या नंबर ऑफ सेल, किसी चीज में भी अगर चेंजेस आते हैं पूरे लाइफ स्पैन में तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ को अब हमें पता करना है कि ये डेफिनेटिव प्रॉपर्टी है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एग्जाम में आएगा कि एक्सप्लेन ग्रोथ इज अ डेफिनेटिव और अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो अगर हम इसको ये प्रूफ कर दे कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में है तो ये हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। और अगर हम ये प्रूफ करेंगे कि नहीं ये सिर्फ लिविंग में है तो ये हो जाएगी डेफिनेटिव प्रॉपर्टी। ग्रोथ तो माउंटेन भी करता है, माउंटेन छोटा सा है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो माउंटेन भी ग्रोथ कर रहा है। किसी की एक तल्ले की बिल्डिंग है वो दो तल्ले की हो तो वो भी ग्रोथ कर रही है। तो ग्रोथ एक ऐसी चीज है जिसको हम पर्टिकुलरली ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ लिविंग में होता है। ये अलग बात है कि लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल होता है, वेयर एज जो ग्रोथ हम नॉन लिविंग में अंदर देख रहे हैं वो एक्सटर्नल होता है। तो ग्रोथ को हम लोग नाम देंगे कि ये एक डेफिनेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है क्यों? क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन ना हो? तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है तो ये भी तो प्रॉपर्टी अपनी नहीं हो सकती। मतलब कहने का ये है कि अगर हम म्यूल की बात करें यानी खच्चर की बात करें तो म्यूल जो होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता लेकिन होता तो लिविंग है। हम ह्यूमन बीइंग के केस में भी ऐसा बहुत सारा केस आता है जिसमें स्टेराइल हो जाते हैं। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टेराइल है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, यानी ये भी एकदम डेफिनेटिव प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। तो रिप्रोडक्शन भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्यों?
क्योंकि ये एकदम प्रूफ नहीं हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाई जाती है। तीसरी बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? द रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरीके के होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है। जब कोई सब्सटेंस टूट के बहुत सारे सब्सटेंस में टूट या हो जाता है तो उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, वहीं बहुत सारे सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी में पाया जाएगा जिस बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होगी, और कोई भी नॉन लिविंग में नहीं पाया जा सकता। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो एक कैसी प्रॉपर्टी है? डेफिनेटिव प्रॉपर्टी। डेफिनेटिव प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी जो हमें डेफिनेटिव मिलेगी वो क्या हो गई? मेटाबॉलिज्म। ठीक उसी तरीके से कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का आभास होना, किसी चीज को फील करना, स्टिमुलस को हम फील जो करते हैं। कोई पत्थर किसी भी चीज को फील नहीं कर सकता, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी फीलिंग्स को नहीं क्रिएट कर सकता। फीलिंग्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में हो सकती हैं। तो कॉन्शियसनेस भी क्या है? एक डेफिनेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या समझने की कोशिश की? द लिविंग वर्ल्ड में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म और दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड रिप्रोडक्शन। बट अगर हमसे कोई कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, तो हम बताएंगे मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। अगर कोई हमसे पूछेगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन सी है, तो हम बताएंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमिनक्लेचर, यानी दुनिया में इतनी सारी चीजें होती हैं, हर चीज का एक नाम रखा जाता है। नाम इसलिए रखा जाता है कि पूरी दुनिया में बस वो एक ही नाम से जाने। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने यहाँ का एक लोकल नाम रख देते हैं, पता चलता है कहीं और जाने पे वो नाम अलग है, लेकिन नहीं, नॉमिनक्लेचर करता है कि पूरी दुनिया में सब कोई भी चीज होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, तो उसका एक ही नाम होगा। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।